स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 14 मई को वाराणसी से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। वे तीसरी बार यहां से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया होने के बावजूद नरेंद्र मोदी के पल्ले अपनी निजी संपत्ति लगभग न के बराबर है। इलेक्शन कमीशन के यहाँ दाखिल किए गए हलफनामे में प्रधानमंत्री मोदी के पास महज 52,920 रुपए नकद है और उनमें से भी 24,920 रुपए पहले के थे और 28,000 रुपए नामांकन से एक दिन पहले ही उन्होंने बैंक से निकाले थे। अगर संपत्ति के हिसाब से देखा जाए तो पीएम मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार होने के बावजूद भी उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं है। उनके पास दो बैंक अकाउंट हैं, एक उनके गृहनगर गांधीनगर में है और एक और उनके निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में है। गांधीनगर के भारतीय स्टेट बैंक में उनका अकाउंट है और 73,000 रुपए उसमें जमा है और वाराणसी वाले अकाउंट में महज 7,000 रुपए बैलेंस। सेविंग अकाउंट के अलावा प्रधानमंत्री का SBI में ही 2.85 करोड़ रुपए का FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट भी है। इसके अलावा उन्होंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC जिसे कहा जाता है, इसमें 9,12,398 रुपए का निवेश किया हुआ है। इसके अलावा नकदी की बात की जाए तो नकदी के अलावा वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे नरेंद्र मोदी के पास 45 ग्राम वजन की 4 सोने की अंगूठियां भी हैं और इनकी कीमत 2,67,000 रुपए के आसपास है। इस तरह प्रधानमंत्री के पास कुल 3.02 करोड़ रुपए की संपत्ति है, नकदी है, पैसा है, सोना है। इसके अलावा उनका झोला बिल्कुल खाली है, प्रॉपर्टी के नाम पर 0 है, जिसे कहा जाता है कि अचल संपत्ति कुछ भी नहीं है उनके पास। ना तो उनके पास कोई खुद का मकान है, ना ही उनके पास खेती की कोई ज़मीन है, ना ही उनके पास कोई दुकान है और ना ही उनकी कोई ज़मीन जायदाद।